अगर आप सो रहे हो तो जग जाओ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तो आपकी नींद खुलेगी और आप तो बिल्कुल जग ही जाओगे। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे और अपनी चयन परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। आज रामनवमी का दिन है, सो प्रभु श्री राम की कृपा आप पे बनी रहे, आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए, आप अपने जीवन में तरक्की करें, बस यही प्रभु श्री राम से हमारी विनती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 2024 के अगस्त के महीने में चयन परीक्षा होगी तो उसमें कितने लोग परीक्षा देंगे, क्योंकि हर कोई परीक्षा दे नहीं सकता। जिसने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है वही मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल है, ये क्राइटेरिया रखा गया है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो चयन परीक्षा देंगे, क्या वैकेंसी आएगी, क्या सक्सेस रेट रहेगा, कितनी तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए। तो बढ़ते हैं आगे, और ये जो डेटा है ये डेटा ऑफिशियल डेटा है, ऐसे हवा हवाई डेटा नहीं है, ये ऑफिशियल डेटा है। तो ये 2023 वाला डेटा है और ये 2018 वाला डेटा है। इस डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो यहां पे देखते हैं कितने लोग आखिरकार चयन परीक्षा देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषयवार, तो इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश में ये 2023 का डेटा है और ये वाला जो डेटा है 2018 का डेटा है। दोनों ही लोग जो 2018 में और जो 2023 में प्रारंभिक परीक्षा दे चुके हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो इंग्लिश के लिए 2023 में कितने लोग हैं, 3303, 2018 में 6629 और टोटल मिला के 9932 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं। किसी भी माध्यम से कहीं पे होंगे, मध्य प्रदेश के किसी भी जोन से बिलोंग करते होंगे, वो किस विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश विषय से तैयारी कर रहे हैं। अगला अगर देखें तो ये हिंदी है, हिंदी के जो नंबर्स है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि हिंदी में कंपटीशन जो है बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। 2023 में 20038 लोग हैं और 2018 में 56627 लोग, यानी कि टोटल मिला के 76665 लोग हैं जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे होंगे। अब हम आगे आते हैं और मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में भी ये नंबर कम नहीं है, हिंदी से थोड़ा ही कम है, लेकिन इसमें भी कंपटीशन तगड़ा देखने को मिलेगा। 2023 में 22422 लोग और 2018 में 38524 लोग जो मैथ के विषय की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि मैथ विषय से वर्ग दो चयन परीक्षा देंगे। टोटल मिला के जो ये आंकड़ा हो जाता है 60946। तो इतने अभ्यर्थी हैं जो मैथ विषय से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद संस्कृत की बात करते हैं, तो संस्कृत में 4790 जो 2023 वाले हैं और 11700 ये 2018 वाले हैं। टोटल जो ये डेटा हो जाता है, टोटल ये जो नंबर हो जाता है 16490। इसके बाद हम बात करें तो जो साइंस है, साइंस में भी ये नंबर काफी नंबर में अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 25317 ये 2023 में है जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा दी थी और 41699 लोग वो हैं जिन्होंने 2018 में परीक्षा दी थी और क्वालिफाइड हुए। टोटल मिला के 67016 अभ्यर्थी हैं जो साइंस विषय से तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सोशल साइंस में भी ये नंबर बड़ा नंबर है, यहां पे आप देखें 10467 जो 2023 के क्वालिफाइड हैं और 61269 ये 2018 के क्वालिफाइड हैं। टोटल मिला के 71736 ये एसएसटी के हैं, सोशल साइंस के हैं, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी हैं। उसके बाद हम बात करें उर्दू से, तो उर्दू का नंबर ज्यादा नहीं है, हालांकि वैकेंसी भी उर्दू की कमी आएगी। टोटल मिला के 795 लोग हैं जो उर्दू विषय से तैयारी कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं ये 2018 और 2023 दोनों को मिला के क्वालिफाइड स्टूडेंट का लिस्ट है। उसके बाद 2023 में दो और हैं, गायन वादन और फिजिकल एजुकेशन, इसकी भी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, तो इसकी भी जाहिर सी बात है मुख्य परीक्षा होगी। तो गायन वादन में 700
56 और फिजिकल एजुकेशन में 2513। और ये परीक्षा कब हुई है? 2023 में हुई है, इससे पहले ये परीक्षा नहीं हुई है। तो ये टोटल जो नंबर है विषय बार मैंने आपको बता दिया। अब अगर टोटल हम बात करें सब्जेक्ट वाली, ये जो है इसके अगर टोटल की बात करें तो ये है 3,03,514। अब आप बोलोगे कि इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए दूसरी परीक्षाओं में चयनित हो गए होंगे, या हो सकता है वर्ग एक में चयनित हो जाएं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। तो मैं एक नंबर ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं सब लोग ज्यादा से ज्यादा कितने हुए होंगे, 50,000। हालांकि ये भी नंबर बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं कंसिडर कर लेता हूं कि 50,000 लोग जो चयनित हो गए होंगे। तब भी ये जो आंकड़ा है 2,53,514, इतने अभ्यर्थी अभी भी हैं जो वर्ग दो चयन परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे। अब मैं बात करूं अगर तो वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा कितनी आएगी, तो टोटल वैकेंसी जो आने वाली है वो आने वाली है 10,000 से लेके 12,000। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जो भी चयन परीक्षा मतलब प्रारंभिक परीक्षा दे चुका है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल तो है, सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एम्पावरमेंट तो है। तो आपकी तैयारी अगर बेहतर नहीं होगी तो आपका चयन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको तैयारी अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। अगर आप अभी भी अपने आप अपने अंदर आलस को पाले बैठे हैं तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो आगे हम बढ़ के ये बताते हैं कि सिलेक्शन के लिए आखिर कितना नंबर चाहिए। हालांकि अभी ऐसा कोई सिलेबस आया नहीं है, कितने मार्क्स का पेपर होगा ये भी कुछ नहीं आया है, फिर भी एक आंकड़ा लेके हम यहां पे डिस्कस करते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो समझो आपकी 100 मार्क्स का अगर पेपर हुआ, जैसा कि वर्ग एक चयन परीक्षा हुई, तो उसी को एक रेफरेंस लेके मैं बात करूं तो आपको ऐसी तैयारी करनी है कि 85+ नंबर आने चाहिए आपके। किसमें? जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं 85+ का आप टारगेट लेके चलो। ज्यादा कर रहे हो दिस इज मोर बेटर, बट आपके 85+ नंबर किसी भी मॉक टेस्ट में आने चाहिए। अगर आप EWS वाले हो तो आप ये टारगेट करो कि 82+ मेरे मार्क्स आ जाएं। अगर आप OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो आप ये टारगेट करो कि 80+ नंबर मेरे आने चाहिए किसी भी मॉक टेस्ट में। इसके बाद अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम 74 नंबर के ज्यादा आपके मार्क्स आने चाहिए, और अगर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके नंबर जो है 70+ होने चाहिए किसी भी मॉक टेस्ट में। तो ये जो टारगेट है ये आपको लिख के चलना है। मैं तो ये बोलता हूं जनरल वाले 90+ का टारगेट लेके चलो तो बेहतर है ना। 90+ का टारगेट लेके चलोगे, अगर 90 से एक दो नंबर कम भी रह जाएगा तो सिलेक्शन के चांसेस तो आपके 100% हो जाने हैं। तो आप तैयारी करते रहो क्योंकि अभी भी वक्त है, ऐसा नहीं है कि वक्त चला गया। ये डराने के लिए कोई वीडियो नहीं है, ये आपके समझाने के लिए, आपको आईना दिखाने के लिए वीडियो है। अभी भी आपके पास 100+ डेज है, 100+ डेज है आपके पास। और अगर आप डेली बेसिस पे 5 से 7 घंटे अगर पढ़ाई करते हो, आप सिस्टमैटिक ऑर्डर में बात कर रहा हूं, कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे कभी 10 घंटे कभी 11 घंटे ऐसे नहीं, रेगुलर बेसिस पे अगर आप 5 से 7 घंटे की तैयारी करते हो तो आप इस परीक्षा में चयनित हो जाओगे, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर अभी भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर आलस भरा पड़ा हुआ है, तो फिर तो मुश्किल है। सिलेक्शन के लिए पढ़ाई तो मस्ट है, और 5 से 7 घंटे की पढ़ाई तो मतलब चाहिए ही चाहिए, इससे कम में तो काम चलेगा ही नहीं। अब आता है बात कि कैसे पढ़ाई करें जिससे सिलेक्शन हो जाए। अब देखो सिलेबस तो अभी आया नहीं है, तो अभी ये रेफरेंस मानना है कि जो हमारा प्री का सिलेबस है, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस था, उसमें जो सब्जेक्ट वाला सिलेबस है, उस सब्जेक्ट वाले सिलेबस में आप महारत हासिल कर लो, अपने सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लो कि बाद में सिलेबस आए तो आपको अपने सब्जेक्ट में तैयारी करने की जरूरत ना पड़े, बाकी जो सब्जेक्ट ऐड होके आए उनकी तैयारी करो बस आप। तो इसके लिए करना क्या, इसके लिए आपको करना है ये है कि NCERT बुक ले लो, और NCERT बुक आप कम से कम 8th, 9th और 10th, ये 3 सालों की जो NCERT बुक है
इसको तो आप कर ही लो, एट्थ ही कर लो, नाइन्थ ही कर लो और टेंथ ही कर लो, और अपने विषय से संबंधित किसी भी रेफरेंस बुक से 10,000 प्लस क्वेश्चनों की क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। 10,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्लस ये 3 साल की एनसीईआरटी, इतना आपको पढ़ना है सिलेबस आने से पहले। इसके बाद आप देखो आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंच जाती है और आपको खुद को लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सो बस यही आपको शेयर करना था, डराने के लिए नहीं इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को ये बनाया गया है कि अभी भी अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है और जो पढ़ाई करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। साथ में अगर आप मैथ्स फिजिक्स की बुक चाहते हो तो मैंने ये बुक टेलीग्राम जो चैनल है रिवाइज स्टडी हब नाम का जो टेलीग्राम चैनल है इसमें शेयर किया है, तो आप इन बुक को डाउनलोड कीजिए, इन बुक को देखिए, ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी, तो इन बुक को भी आप विजिट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट इस चैनल पे अपलोड होती रहेगी, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।